सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फुटबॉल चैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्लाइडिंग वार्डरूम। स्लाइडिंग वार्डरूम में गिलास भी लगा रखा हमने, जैसे आपको ड्रेसिंग के हिसाब से अगर गिलास की ज़रूरत पड़ती है तो उसी में हमने अपना ड्रेसिंग का भी बना रखा। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसके साइज़ भी, आपको दराज के साइज़ भी बताऊंगा, आपको किस हिसाब से आपको इसकी गहराई रखनी चाहिए और किस हिसाब से आपको साइज़ रखने चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं वार्डरूम के, और प्राइस के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी वीडियो को लास्ट तक आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे स्लाइडिंग वार्डरूम बनानी होती है, थ्री डोर्स में है ये स्लाइडिंग वार्डरूम। बाकी मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें ये अपना जैसे आपको पार्टीशन देने हैं तो इस हिसाब से दे सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे जो पिलर था, पिलर को ढकने के लिए ये जगह बंद कर दी गई है, इसमें इसी तरीके से बंद करनी है। और ये अपना 20 इंची खाना रख सकते हैं अपने जो हाइट में, उसके हिसाब से 20 इंची, जैसे आपकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। और इसमें ये 20 इंची खाना, ये अपना 40 इंची कोर्ट के लिए। यहाँ पे लाइट है, इसमें अपने अगर लाइट की ज़रूरत होती है तो लाइट भी अपनी लगा सकते हैं इसके अंदर से। और नीचे अपना खाना, जैसे बड़ा सामान रखना तो बड़े सामान, जैसे बड़े कपड़े रखने होते हैं, जैसे हमारा रजाई गद्दे, उसके हिसाब से आप ये जगह छोड़ सकते हैं। जैसे आपको सूटकेस या अपना बैग रखना हो तो बड़े सामान के लिए नीचे जगह दे सकते हैं, जिसमें कि बड़ा सामान जो होता है, भारी सामान होता है, ऊपर रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये अपना इधर का था, मैं आपको दूसरे साइड का। और इसमें चप्पू हैंडल लगा रखें। बाकी अभी इस पर जो हमारी है लेवलेशन लग रही है, ये देख सकते हैं। बाकी सफाई इसकी जो आएगी, ये पन्नी हटने के बाद, ये देख सकते हैं, पन्नी हटने के बाद सफाई इस तरीके से आएगी, जो फिनिशिंग आएगी इसमें, ये पन्नी हट जाएगी। ये पन्नी लगा रखी है, अभी पेंट का काम बाकी है इसमें उस हिसाब से। और ये ड्रेसिंग के लिए अपना जो ड्रेसिंग बनानी है, आप इसी पे ही गिलास लगा सकते हैं। पूरा देख सकते हैं 4x7 का डोर्स पे आप इस तरीके से गिलास लगा सकते हैं। और ये आपको जो लगाना है, ये बाहर की साइड लगाना है, अंदर नहीं करना। अगर आपकी 3 डोर्स की वार्डरूम होती है तो उसमें आप ये अपना जो 3 डोर्स की बनानी है वार्डरूम आपको, तो इसके ऊपर से ये जो ऊपर वाला गिलास, जो हमारा डोर्स आता है, उसके ऊपर से गिलास लगाना होता है। अंदर वाले पे लगाते तो आपका टूटने का चांस रहेगा, जैसे आपका दूसरा डोर्स लगता है उसमें तो टूटने का चांस बढ़ जाता है उसका। तो इस तरीके से बनानी है, दोनों साइड वाले अंदर डोर्स लगाने हैं आपको। ये दिखा दो, ये दोनों साइड वाले अंदर करने हैं आपको, और बीच वाला बाहर करना। अगर आपको अंदर भी लगाना तो ये बाहर करने, ये बीच में अंदर लगाना, अगर इस तरीके से चलानी है आपको स्लाइडिंग वार्डरूम तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके मैं अंदर के खाने दिखा देता हूँ आपको, इधर का देख सकते हैं आप। ये अपना जैसा आपको बनाना, तो इसमें हमारे 20-20 इंची के खाने इस तरीके से। और ये कोट टांगने के लिए अपना साइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी लाइट है, इसमें भी लाइट दे रखी है। बाकी वाइट लैमिनेट है, अभी सफाई इसकी बाकी है। और ये ड्रॉर बना रखी है, जो हमारा बनाना अंदर की साइड करके बनाना, और कैंसिल हैंडल करके बनाना आपको। हैंडल इसी में ही अपने दे सकते हैं इस तरीके से। ये ड्रॉर देख सकते हैं अंदर से, इसमें एक पार्टीशन दे रखा है। तो इसमें अगर आपको दोनों साइड में सामान रखना है तो पार्टीशन दे सकते हैं। इसमें पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। और ये बड़ा रखना है तो बड़ा भी सामान रखने। ये आपको जो प्लाई लगानी है, ये कम से कम मोटी लगानी है, 12 mm उस तरीके से बनानी है। ये बड़ी दराज हो जाती है तो उसके हिसाब से बड़ी, ये 4 दराज हैं। इसका जो साइज़ है 10-10 इंची हाइट में बना सकते हैं, तो ये 10-10 इंची में है। तो अपना जो साइज़ छोड़ा, आपको ये बनानी है यहाँ से जो चैनल में अड़नी चाहिए इस तरीके से, ये देख सकते हैं। चैनल में भी नहीं अड़नी चाहिए तो उस हिसाब से उठा कर बनानी होती है, और ये अंदर करके बनानी होती है। और ये जो होती है हमारी, जैसे ये लैमिनेट साइड में आपको उस हिसाब से लगानी है। ये पल्ला बंद करने के बाद आपका सेम दिखना चाहिए साइड में, बॉर्डर सेम है हमारा चारों तरफ से। इसमें ये लाइट है, ये देख सकते हैं, अपनी लाइट के लिए जगह बनाई थी बाहर निकाल के, तो इसमें आप लाइट लगा सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं नया डिज़ाइन। और ऊपर भी देख सकते हैं अपना फॉल सीलिंग का, इसमें डिज़ाइन पहले फॉल सीलिंग का जो था हमारा, पहले बन चुका था, उसके बाद वार्डरूम बनी है। ये पहले POP का काम हो चुका था, उसके बाद ये काम हमारा होया उसमें, तो इसके हिसाब से अपना देख सकते हैं अंदर से। इसमें हमारे बड़े सामान रखने के लिए इसमें भी लाइट लगा रखी है, और अपना सामान रख सकते हैं। जैसे इसका वाइट उसका काम होगा, जैसे फाइनल होगा तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। इधर अपना टीवी पैनल है छोटा, अगर टीवी पैनल बनाना है आपको बच्चों के लिए तो उसके हिसाब से, जैसे बच्चों का रूम है तो छोटा टीवी पैनल। अगर आपके इस तरह की जगह बसती है, ये हमारा बाथरूम का गेट है, ये एंट्री गेट है जो हमारा अंदर रूम में के
एंट्री गेट उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। 2.5 फुट चौड़ा है ये और इसकी जो हाइट है 4 फुट, तो इस हिसाब से बना सकते हैं। अपना नीचे दो ड्रॉर दे रखे हैं, अपना ड्रॉर भी देख सकते हैं आप, ये अपने ड्रॉर हैं। तो इसमें गिलास लगा रखा है, ये अपना यहाँ से अंदर से ये देख सकते हैं, इसमें सनमाइका लगा रखी है। तो इसकी जो हाइट रखनी है आपको 10 इंची हाइट बना सकते हैं, ये 12 इंची, बाकी इसमें तो 12 इंची या 14 इंची इसी तरीके से साइज़ बनते हैं इनमें। जो अपना डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और इस जो वार्डरोब का साइज़ है, इसका वार्डरोब का साइज़ है हमारा 11 फुट, हाइट है 7.5 फुट। हाइट आपको अपने हिसाब से बनानी है, 7.5 फुट जो भी बनाते हो, जितनी आपके अगर फोर सीलिंग जो हो जाती है, फोर सीलिंग के बाद आपकी अब जगह बचती है तो उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज भी बना सकते हैं, 7.5 फुट या 8 फुट के हिसाब से बना सकते हैं। तो अपनी फोर सीलिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइडिंग वाटर का डिज़ाइन। तो आपको अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, तो इससे अच्छी वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड।